इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। देखो ऐसा है, बीजेपी के फॉलोअर को भी 95 रुपीज में ही पेट्रोल पड़ रहा है और मर मर के वो खिलाफ हो जाएगा। हाँ, हम थोड़ा कम चला लेंगे स्कूटर, मगर एक सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा एक खतरा क्या है आप बताइए मुझे, कि मेरे में और एमबी पाटिल साहब के बीच में जातिवाद करके हमें दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे बड़ा खतरा मेरे देश को है। चाहे फिर वीर कुमार जी हो, उनको बोलेंगे आप जैन है, एकदम क्या बोलते हैं अहिंसा वाले हैं, मच्छर को भी नहीं मारते, ये देखो मांस खाने वाले हैं, आपके धर्म के विरोध है, मारो इनको, ऐसे करके हमको तोड़ने को देखने की कोशिश चली है। ये कोशिश को नाकाम करने का काम कांग्रेस पार्टी का है। अब ये कैसे नाकाम करेंगे, कभी कभी चुपके आ जाता है मौका आपको एक वोट डालने का, और वो वोट का जो धक्का है वो सबसे बड़ा धक्का है। सोच समझ के डालिए, और सोच समझने के बाद में तो एक ही बात दिखती है कि जो बात देश के हित में है, जो बात हमारे राष्ट्र के और राष्ट्र के लोगों के हित में है, वही बात हमें करना है, वही काम हमें करना है। उसका मतलब जो सबको लेके चलने वाली पार्टी है, सबका मतलब ऐसा नहीं कि कोई आने गए को भी ले लेंगे, ऐसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब अच्छे लोगों को लेकर चलने वाली, एक सद्भावना से सात सांप्रदायिक ताकतों को हराने वाली पार्टी अगर है तो ये कांग्रेस पार्टी है। और ये आज के लीडर्स यहाँ है, कल के लीडर्स बच्चे हमारे यहाँ वहाँ खड़े हैं, ये सब इनके जिंदगी भर का ड्यूटी है कि ये लेके ऐसे हिंदुस्तान को चले जैसे बापू जी ने किया, जैसे नेहरू जी ने किया, जैसे इंदिरा गांधी जी ने कहा। 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, इसका मुहिम शुरू हुआ 68-69 से, जब मुजीबुर रहमान की उनकी जो पार्टी थी, हमने जाके मुक्ति वाहिनी को हेल्प किया वहां पे। हमारे प्रधानमंत्री जी तब 16-17 साल के, अब बेचारे को क्यों जेल में डाला मुझे तो मालूम नहीं है, इंक्वायरी करने का काम आपका है कि क्या कानून में डाला था उनको अंदर। आजादी के लिए तो नहीं था, क्योंकि उनके बड़े जो है जो बुजदिल है वो संघ में थे, ये भी उनके ही फॉलोअर है, तो ये कहाँ रहेंगे और किस लिए अंदर गएंगे वो सोच लीजिए आप। हाँ, 17 साल का था सर, अभी क्या करें, लोग समझते नहीं है, झूठ पे झूठ सुनते जाते हैं, कोई भी आता है धर्म। हाँ, तो हमको, मैंने 10 साल आपकी सेवा की, आपने 10 साल मेरे लिए दुआएं की, बहुत प्यार दिया मुझे, मेरे काम से बढ़ के आपकी दुआएं और आपका प्यार बहुत मिला है। और मेरा आने का सिर्फ एक ही काम था, क्योंकि एक लुच्चा आकर के हमारे लोगों को फंसाने का काम, बोगस चेक देने का काम, प्लॉट देने का काम चालू रखा था, वो आश्रय के 5,000 में नहीं छोड़ा। मालूम है ना, अब तू तो रुपिन नगर वाला है, बराबर है। अब ऐसों से दूर रहना, ऐसों को दूर रखना, ऐसों को दूर रखना सर, वरना अच्छे लोग चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और अच्छे लोगों के साथ बहुत से अच्छे लोग चले जाएंगे। संभालिए, हमारी पार्टी स्वच्छ है एकदम, उस पर दाग वाले और दाग पड़ने वाले लोगों को नजदीक मत करना मेहरबानी करके, क्योंकि जो थे जाना था वो चले गए हैं, जाने वाले को कचरा उड़ के जब जाता तो वापस घर में लाके जमा नहीं किया जाता, उसको जाने देना होता है, हवा से कचरा बाहर जाता तो रहते ही क्या वापस अंदर, क्या सांप के अगर दाग निकालते तो घर में लाके पालते हैं क्या, उसको नहीं पालते सर, वो कुछ काम का नहीं रहता, नुकसान का ही रहता है, शो में भी अच्छा दिखता नहीं है। जूते की जगह पे टोपी की जगह टेबल पे होती है, जूता टेबल पे कोई रखता नहीं है। और हमें ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है जो मेरी बहनों में है, माओं में है, मेरे बच्चों में है, उभरेंगे ये सब, इनको अच्छी तरबियत दीजिए, इनको बोलिए कि अच्छे लोगों की इज्जत होती है, अगर अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की एक ही टाइप की इज्जत होती तो फिर अच्छे लोग नहीं बैठेंगे आपके साथ में। और ये कांग्रेस का नया बात है जो राहुल गांधी जी ने कहा, जो प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि हमारे पास चाहे कम रहे लोग मगर सिर्फ अच्छे रहे, तकवे वाले रहे, प्रामाणिक लोग रहे। आने जाने वाले तो आते जाते रहते हैं, सड़क पे बहुत मिलते हैं,
एक बार बहुत बातें होगी, बाकी की बातें फिर कभी करेंगे। 17 तारीख को याद रखना पार्लियामेंट इलेक्शन है। मैं तो सब आप भाषण सुन सुन के याद कर करके हंसते रहेंगे, 17 तारीख निकल जाएंगे, जाके वोट करना है। हाँ, याद से वोट करना है, हाथ पे लगाना है सिक्का बराबर है। पार्टी के बड़े लोगों ने और बड़े इंसान ने मिलकर कैंडिडेट को चुना है, कैंडिडेट ने माना है, अब उसको जिताने की जिम्मेदारी हमको दी है और आपको दी है। हाँ, तो जिताने की जरूर कोशिश करेंगे। मुझे मालूम है रमजान में थोड़ी तकलीफ होती है सुबह में धूप में, कोशिश करके छाते में भेज देता हूँ, छाते पकड़ के। हाँ, काम करना, वोट डालना, डालेंगे ना। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है फारूक भाई, क्या बात है? हाँ, थोड़ा जोर दिखाओ, लगना ना इनको भाषण में कुछ असर है करके, नहीं तो समझेंगे फिरोज का कोई सुनता ही नहीं करके। जरा जोर से बात करो। हाँ, ये बात है, ये बात, ये बात है। अब 17 तारीख आज तक अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने बड़ों को लेकर के अपना अपना ठीक से काम को अंजाम दीजिए। हाँ, अल्लाह रसूल के रास्ते पे चलने हमें सिखाया गया है, जो सही है वो काम जरूर कीजिए। इधर उधर भटकने की हमको जरूरत नहीं है, हम घरदार वाले हैं। आगे दिन, आने वाले दिन और मुश्किल के आएंगे अगर हम इसमें कुछ भी नरमी करते हैं, थोड़ी सी भी नरमी करते हैं तो फिर बहुत बुरे दिन आएंगे। ये तो कुछ भी नहीं, उनकी और हिम्मत बढ़ती जाएंगे, चाहे हम कुछ भी करें। ये 100 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये पेट्रोल में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो दिलों को काट काट करके अलग कर रहे हैं, इससे कितनी बर्बादी होगी वो सोचिए आप। बहुत बर्बादी होगी, बहुत कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इनको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना है, रोड ब्लॉक्स बनाना है, और ये एक ही मौका है हमको फिलहाल में 2021 में। 2023 में फिर इंशाल्लाह आपकी सरकार जरूर बनाएंगे सर, आपकी सरकार जरूर बनाएंगे। नहीं, हम वहां बैठ के आपको वोट करेंगे। हम बनेंगे तो सरकार बनेगी। देखो, ये बार नहीं बने तो सरकार नहीं बनी आपकी, क्या करें। नहीं बने तो आपकी सरकार नहीं बने। हमें सिद्धरामैया साहब ने पूछा, ये लाए तब फिरोज, ये नाग लीला सर, नाम एमएलए आग लीला था, मुख्यमंत्री आग लीला। हाँ, बीजेपी लावर मार लीला, कांग्रेस लावर मारा, राहुल ने पार्टी के एक सुधार से, अब सुधर जाओ। जो पार्टी के खिलाफ काम करता है, 50 लोग का साइन लेके पहला अध्यक्ष साहब को देना। हाँ, देते रहो, सब जाके पार्टी जागरूक रहेगी। कुछ भी चलता है तो फिर ऐसे ही हालत हो जाएंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे सब, ऐसे ही भटकते रहेंगे। घट बन के जिए, हक के लिए जिए। कांग्रेस हमारी है, हमने, हमारे बाप दादा ने बनाई है ये। कोई आज आया, कल गया, कल आया, आया, उसने नहीं बनाई। हमारे बाप दादा का खून है इसमें, आजादी से लेके आज तक के, चाहे कोई भी जाति का हो। और इसको संभालने का, ये हमारा घर है, हम इसको संभालेंगे, लड़के भी संभालेंगे। ये हद कर लीजिए, मगर वो 17 तारीख के बाद में, अभी 17 तारीख को पार पड़ा है। 17 तारीख है ना उल्फत, क्या बात है, वाह, ताली बजाओ उल्फत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जितनी बातें हमने की उसका रिजल्ट हमको देखना है, इंशाल्लाह 17 तारीख को जरूर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, तुम जिंदाबाद बोल के छोड़ के क्या भी बोलो, चलता है। थैंक यू। बोलो भारत माता की। ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೀರೋ ಶೇಖರ್ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಧ್ವಜ, ಆ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಕ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಕಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಪೀರೋ ಶೇಖರ್ ಅಂತ ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಇವ್ರ ಹತ್ಯಾಗ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರ ಹತ್ಯಾಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ನಾಯಕರು ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ